बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास सेकेंड ईयर अस्सलाम वालेकुम। आई एम सर यासिर, योर कंप्यूटर साइंस टीचर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टाइप ऑफ लूप विच इज़ कॉल्ड डू व्हाइल लूप। आज हम लास्ट टाइप ऑफ लूप पढ़ेंगे विच इज़ कॉल्ड डू व्हाइल लूप। इससे पहले हमने टू टाइप्स ऑफ लूप पढ़ी, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। फॉर लूप के बारे में हमने पढ़ा था, फॉर लूप इज़ यूज टू रिपीट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट। इन फॉर लूप नंबर ऑफ़ रेपिटेशन आर नोन इन एडवांस। कि फॉर लूप में नंबर ऑफ़ रेपिटेशन इन एडवांस आपको पता होती हैं कि लूप कितने टाइम्स रिपीट होगी। कल हमने व्हाइल लूप पढ़ी थी। व्हाइल लूप इज़ आल्सो यूज टू रिपीट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट बट इन व्हाइल लूप नंबर ऑफ रेपिटेशन आर नॉट नोन इन एडवांस। व्हाइल लूप में नंबर ऑफ रेपिटेशन एडवांस नोन नहीं होती। और दूसरी बात, व्हाइल लूप में अगर आपकी कंडीशन फर्स्ट टाइम ही फॉल्स हो जाए तो व्हाइल लूप की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हुए बगैर ही टर्मिनेट हो जाती है। यानी व्हाइल लूप में ऐसा भी मुमकिन है कि आपकी एक दफ़ा भी लूप स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट ना हो अगर आपकी फ़र्स्ट टाइम कंडीशन फॉल्स हो जाए। आज हमने थर्ड टाइप ऑफ लूप पढ़नी है विच इज़ कॉल्ड डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप इज़ सिमिलर टू व्हाइल लूप, जिस तरह इसका नाम से भी जाहिर होता है। तो जो आपकी डू व्हाइल लूप है ये व्हाइल लूप के साथ सिमिलर है, मिलती जुलती है। अब डू व्हाइल लूप में क्या होता है, इन डू व्हाइल लूप इज़ आल्सो यूज्ड टू रिपीट अ स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। पहली बार लूप है तो ये भी स्टेटमेंट्स को रिपीट करेगी। दूसरी, सेम कंडीशन, इन डू व्हाइल लूप नंबर ऑफ रेपिटेशन आर नॉट नोन बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप। डू व्हाइल लूप में भी आपको नंबर ऑफ़ रेपिटेशन नोन नहीं होती एडवांस में। यानी पहले दोनों पॉइंट इसके और व्हाइल लूप के सेम है कि ये भी रेपिटेशन करेगी, और दूसरी बात इसमें रेपिटेशंस पहले से नोन नहीं होती कि लूप कितने टाइम रिपीट होगी। लेकिन अब चेंज क्या है कि इन डू व्हाइल लूप द स्टेटमेंट्स इन द बॉडी ऑफ लूप आर एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस फॉर अ कंडीशन इवन फॉल्स। कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स भी हो जाए तो डू व्हाइल लूप की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट है वो कम से कम एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होंगी। व्हाइल लूप में ये था कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो लूप की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो बगैर एग्जीक्यूट हुए ही टर्मिनेट हो सकती हैं। लेकिन जो आपकी डू व्हाइल लूप है इसमें कम से कम एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होंगी। वो कम से कम एक दफ़ा क्यों एग्जीक्यूट होंगी, अगर हम इसका सिंटेक्स देखें, डू स्टेटमेंट्स और व्हाइल कंडीशन। अब इसमें हमारे पास डू जो है वो रिजर्व वर्ड या कीवर्ड है, ब्रैकेट उसके बाद स्टेटमेंट्स और व्हाइल और कंडीशन। अब डू व्हाइल लूप में आपकी कंडीशन जो है वो लूप की बॉडी के बाद है, यानी पहले आपकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं उसके बाद कंडीशन चेक होती है। तो एक दफ़ा स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, अगर फर्स्ट टाइम भी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो लूप जो है वो रिपीट नहीं होगी। लेकिन एक दफ़ा स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो चुकी होती हैं, लेकिन अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो तो दोबारा से ये स्टेटमेंट्स क्या होती रहेंगी, रिपीट होती रहेंगी। यानी व्हाइल में कंडीशन आपकी पहले होती है, स्टेटमेंट्स बाद में होती हैं। डू व्हाइल में आपकी स्टेटमेंट्स पहले हैं, कंडीशन बाद में है। तो इसमें एटलीस्ट वन टाइम जो आपकी स्टेटमेंट्स इन द बॉडी ऑफ लूप जो हैं वो मस्ट एग्जीक्यूट होती हैं। डू आपका रिजर्व वर्ड है, एक्चुअली ये कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं करता, सिर्फ डू व्हाइल लूप का हिस्सा है। स्टेटमेंट्स आपकी बॉडी ऑफ लूप में एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। व्हाइल रिजर्व वर्ड है और व्हाइल के साथ कंडीशन है। और एक और चीज़ जो याद रखनी है कि जो डू व्हाइल लूप है इसमें एंड ऑफ लूप के ऊपर सेमी कॉलन मस्ट यूज होते हैं। इसके अलावा ना तो फॉर लूप में ना व्हाइल लूप में किसी लूप के हेडर के साथ जो है वो सेमी कॉलन यूज़ नहीं होते, लेकिन व्हाइल लूप में कंडीशन के बाद आपके सेमी कॉलन भी हैं विच इज़ यूज टू इंडिकेट द व्हाइल लूप इज़ एंडिंग हेयर। तो द वर्किंग ऑफ व्हाइल लूप इज़ सिमिलर एज डू व्हाइल लूप। व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप की वर्किंग सिमिलर है, सिर्फ एक डिफरेंस है कि द कंडीशन इन डू व्हाइल लूप इज चेक्ड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स। डू व्हाइल लूप में जो कंडीशन है वो आपकी लूप की बॉडी के बाद जो है वो चेक होती है, और अगर आपकी कंडीशन फास्ट भी हो जाए तो आपकी जो स्टेटमेंट्स इन द बॉडी ऑफ लूप है दे आर एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वन टाइम इफ द कंडीशन इज फॉल्स। अगर आपकी कंडीशन फास्ट भी है तो लूप की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एटलीस्ट वन टाइम जरूर एग्जीक्यूट होती हैं। अब इसका हम फ्लो चार्ट देखें। फ्लो चार्ट भी एक इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है किसी भी लूप की फंक्शनैलिटी को समझने के लिए। अब फ्लो चार्ट में ये देखें, आपकी स्टेटमेंट्स पहले हैं, पहले आपकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी उसके बाद कंडीशन चेक होती है। अब अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट्स दोबारा से एग्जीक्यूट होंगी, फिर कंडीशन, फिर ट्रू है, फिर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट।
हाँ, स्टेटमेंट एक दफ़ा एग्जीक्यूट होती है, कंडीशन फॉल्स हो जाए तो यहाँ से डू वाइल लूप क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। यानी डू वाइल लूप में एटलीस्ट वन टाइम जो आपकी स्टेटमेंट्स इन द बॉडी ऑफ लूप हैं वो मस्ट एग्जीक्यूट होती हैं, और अगर फर्स्ट टाइम भी आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो एक दफ़ा स्टेटमेंट्स क्योंकि पहले होती हैं वो एग्जीक्यूट हो चुकी होती हैं, उसके बाद जो है वो आपकी कंडीशन फॉल्स हो तो लूप टर्मिनेट होती है, और जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहे उस वक्त तक आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह से आप गेम खेलते हैं, एक दफ़ा आप गेम खेल लेते हैं, बाद में मैसेज आता है डू यू वांट टू प्ले अगेन, अब आप पे आप यस प्रेस करें तो दोबारा से गेम चलेगी, नो प्रेस करेंगे तो गेम क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, लेकिन एक दफ़ा आप गेम खेल चुके होते हैं। तो यही फंक्शनैलिटी डू वाइल लूप की है कि एक दफ़ा स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो चुकी होती हैं उसके बाद जो है वो आपसे ऑप्शन पूछता है कि आप रिपीट करना चाहते हैं या नहीं। तो प्रोग्राम है डू वाइल लूप का, प्रोग्राम फॉर डिस्प्लेइंग पाकिस्तान एटलीस्ट वन टाइम यूजिंग डू वाइल लूप। अब ये हमारे पास एक प्रोग्राम है जो डू वाइल लूप की मदद से एग्जीक्यूट होगा और ये वन टाइम ज़रूर जो है वो पाकिस्तान को डिस्प्ले करेगा। अब यहाँ पे ये देखें, मैंने कमेंट्स दो लाइन में लिखे हैं, तो दो लाइन में जब आपके कमेंट्स हैं तो मल्टी लाइन कमेंट्स इन्हें कहा जाता है, तो ये स्लैश स्टैरिक और स्टैरिक स्लैश के साथ एंड होते हैं, स्लैश स्टैरिक से स्टार्ट होते हैं और स्लैश स्टैरिक के साथ क्या होते हैं, एंड होते हैं। तो ऐसे कमेंट्स जो दो लाइन्स में हों उन्हें मल्टी लाइन कमेंट्स कहा जाता है। तो टॉप ऑफ प्रोग्राम पे मैंने हेडर फाइल्स इंक्लूड की आयो स्ट्रीम कॉनियन डॉट एच, फिर हमारा मेन फंक्शन है, फिर मैंने एक इंटीजर वेरिएबल आई इनिशियलाइज किया, इसकी इनिशियल वैल्यू क्या रखी, 10 रखी, क्या रखी, 10 रखी। तो ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, क्लियर स्क्रीन विच इज़ यूज टू क्लियर द प्रीवियस आउटपुट। अब ये हमारे पास डू वाइल लूप की ये स्टेटमेंट्स हैं, डू यहाँ से डू वाइल लूप स्टार्ट होती है, अब लूप की बॉडी के अंदर आएगा, सी आउट क्या प्रिंट करेगा जी, पाकिस्तान प्रिंट करेगा, पाकिस्तान स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गया। आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, आई की प्रीवियस वैल्यू क्या थी, 10 थी, 10 एक इंक्रीज होके आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अब ये इंक्रीमेंट हो गया, अब कंडीशन है आई इज़ लेस देन आर इक्वल टू 5, अब आई की वैल्यू 11 इज़ लेस देन 5, यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स होगी, कंडीशन फॉल्स होगी, लूप टर्मिनेट होगी, गेट सी एच एग्जीक्यूट होगा। अब कंडीशन फॉल्स भी होगी उस सूरत में भी जो है वो आपका पाकिस्तान एक दफ़ा स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो चुका था। हाँ, अगर आप आई की इनिशियल वैल्यू 1 रखते हैं तो पाकिस्तान 5 टाइम डिस्प्ले होगा, लेकिन हमने आई की इनिशियल वैल्यू 10 रखी थी जो कंडीशन से ऑलरेडी ग्रेटर थी, और एक इंक्रीज होके मजीद वो ग्रेटर होके 11 हो गई, तो फर्स्ट टाइम ही आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगी। यानी इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि आपकी वाइल लूप डू वाइल लूप की कंडीशन अगर फॉल्स भी हो जाए तो लूप की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एटलीस्ट वन टाइम जो हैं वो ज़रूर एग्जीक्यूट होती हैं। तो वाइल और डू वाइल में डिफरेंस ये है कि वाइल में क्योंकि कंडीशन आपकी पहले होती है, अगर कंडीशन फर्स्ट टाइम फॉल्स हो जाए तो वाइल लूप में बगैर एग्जीक्यूट हुए ही जो आपकी बॉडी ऑफ लूप है वो एंड हो सकती है, लेकिन डू वाइल लूप में एटलीस्ट वन टाइम जो स्टेटमेंट्स इन द बॉडी ऑफ लूप हैं वो मस्ट एग्जीक्यूट होती हैं, उसके बाद अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो तो लूप क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। थैंक यू।